जो जहाँ पर बेटी शादी किया ना, वो भी चाहते हैं उसको बेटी की जो बेटी उनके घर से भी कुछ पैसा मिले, लेकिन ये तो फकर भरी का सारा धन दो तो लुटा दिया। अभी वो मना कर रहे शादी करवाने के लिए, तो तुमने तो बेटी की इतना धूमधाम शादी करवाया और सारे धन दौलत हमें दिया नहीं, तुमने लुटा दिया, बेटी पर दिया नहीं लुटा दिया, हम बेटी बेटी की शादी नहीं कराएंगे। जो बेटी की शादी की बात आई, स्वयं ठाकुर जी बने सावरिया से एक मंदिर गए और उन्होंने बोले नरसी भगत को हम निमंत्रण देना नहीं चाहते, क्योंकि तो बाबा बन गया, अगर वो आएगा तो समाज में हमारा बदनामी हो गया, बाबा बन करके हैं बाप बेटी बेटी का पिता बाबा बन गया बदनामी हो गया, इसलिए उसको निमंत्रण नहीं देंगे। क्या करेंगे, उसको ऐसे एक पर्चा बना देंगे वो सारों के बारे आए भी, हमने ऐसे पर्चा बनाया, इतना 100 साड़ी 1000 जुत्ती इतने सोने की प्लेट, इतने सोने चांदी, इतने ऐसे उन्होंने लिस्टी बनाया ना, मैं सुनकर किसे आई नहीं। गुरुदेव सिलबट्टा भी तो लिखा था, वो उसकी सास के पैर भी सोने का सिलबट्टा, सोने के सिलबट्टा, इसलिए ऐसे उन्होंने लिखा। श्री ठाकुर जी स्वयं लक्ष्मी नारायण स्वयं गए, लक्ष्मी नारायण स्वयं गए, ऐसे सोने चांदी की बरसात घर आई, ऐसे सोने चांदी की बरसात करवाई, उसको सर के ऊपर में सब जो क्या सोने बैठे आपसी उसके साफ 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 पैर आप देखे हो मिला, ऐसे ठाकुर की बरसात करें। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर हम हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं ना, ये लगना करते हैं तुम कन्या नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे नाम हो रहा है, अगर निष्कपट होकर भजन करे भक्ति करे सब कुछ ठाकुर को समर्पण कर दे, फिर ठाकुर जी को सर पर चिंता आ जाता है, अब उस काम क्या करें, ठाकुर को निपटाना पड़ता है काम को। इसलिए इसलिए यहाँ पर स्थाने स्थिता, स्थाने स्थिता मतलब क्या है, इसलिए भगवान तुम्हें जिस अवस्था में रखे उसी अवस्था अवस्था को सबसे बढ़िया अवस्था मान करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए हमारे जो आचार्य हैं कीर्तन में बोलते हैं गृह साको वन साको सदा हरि बोले नाम, चाहे घर में हो चाहे वन में हो, गृह त्यागी जो भी हो जिस भी अवस्था में हो भगवान का नाम करना चाहिए, अगर उसमें कोई समस्या भी होगी तो ठाकुर जी खुद उसको हल कर देंगे जैसे गुरु जी बता रहे हैं। इसलिए भजन शुरू कर देना चाहिए जितना जल्दी हो सके, तूर्णम यतेत न पतेत अनुमित्या। फिर ये इसी श्लोक इसी बात का स्थान स्थिता इसी बात को विश्वशेखर ठाकुर पाद इसकी एक और बात बताते हैं, इसका क्या अर्थ है, वो कह रहे हैं कि हमें ज्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, जैसे बहुत सारे तीर्थों में जाते हैं घूम फिर करके खा पी करके आ जाते हैं, बोला उससे ज्यादा फायदा किस चीज में होगा, उसमें भी फायदा होगा सुकृति होगी, लेकिन बताइए तीर्थों में जाने का लाभ क्या है, कि तीर्थों में जाने का जब भी लाभ है जब साधु संग प्राप्त हो और उन साधु के मुख से हमें कथा श्रवण करने को मिले तभी तो सब तीर्थों में जाते हैं, लेकिन अगर बताया अगर किसी को ऐसी वाले साधु और ऐसी कथा अगर उपलब्ध हो तो इधर उधर नहीं जाना चाहिए, उनके समक्ष बैठ करके उन कथाओं का निरंतर श्रवण करना चाहिए। बताया इस कथा को श्रवण कैसे करना चाहिए, श्रुति कथा तन वांग मनो के लिए, तन मन और वचन इन तीनों से कथा को सेवा करना चाहिए। बोले कैसे, बोले हम जो है कथा को तो बस कानों से सुन सकते हैं, अभी तन मन से कैसे करें, वचन से कैसे कर सेवा करेंगे हम, बोले किस प्रकार सेवा करेंगे, तन से माने कथा श्रवण करने से हम लोग कथा श्रवण करने आए, तन से कैसे होगा, यहाँ पर आकर के सबसे पहले जो भक्त श्रवण करने आए उनको प्रणाम करना, जो कथावाचक है उनको प्रणाम करना, ठाकुर जी को प्रणाम करना, ये जो तन से प्रणाम कर रहे ये हो गया तन से सेवा। इस हनुमान जी क्या करते हैं, जहाँ भी कथा होगी सबसे पहले कौन जाते हैं, हनुमान जी सबसे पहले जाकर उस स्थान को प्रणाम करते हैं, कथावाचक को प्रणाम करते हैं और जब कथा को अश्रु बहा बहा के श्रवण करते हैं और सबसे पहले चले नहीं जाते, सबसे आखिरी में फिर प्रणाम करते हैं और फिर वहां पर सबको प्रणाम करके फिर वहां से हनुमान जी जाते हैं। ये बताया ये तन से सेवा होगी और वचन से कैसे, ये कथा की सेवा वचन से कैसे कर सकते हैं, हम लोग जो सुना है उनको दूसरे व्यक्ति को सुना करके इस सेवा कर सकते हैं, अड़ोस पड़ोस को केवल सुन करके क्या करना है, अड़ोस पड़ोस को भी प्रचार करना है, उनको भी जा करके हरी कथा बोलनी है, तुम लोग भी मंदिर में आओ भगवान की भजन करो भगवान की भक्ति करो, इसलिए दूसरों को भी भगवान के भजन में उनको भी हाँ, अगर भगवान कथा दूसरों को बोलोगे ना अड़स पड़ोसियों को, पहले लाभ तो तुम्हारी होगी क्योंकि तुम कथा बोल रहे हो और जो फिर बाद में किसको होगा तो सुनने वालों को, लेकिन पहले अपना क्योंकि तुम
अगर भगवान की बात नहीं बोलोगे फिर तो घर में बैठ कर दुनियादार की बात नहीं, तो बेटी सास भोगी सब दुनियादारी की बात बोलोगे। इससे तो बढ़िया भगवान की कथा सुनाओ दूसरों को, भगवान की भजन की बात सुनाओ, हैं भगवान की भक्ति करो भजन करो। इसलिए सबसे बड़ा जो लाभ है जब हम दूसरों को भगवान की कथा सुनाते हैं, अपना तो कल्याण और दूसरों को भी कल्याण, ठीक है ना। इसलिए हमारे जो बड़े गुरु जी कहते थे जब जब परिक्रमा में आओ ना दस दस लोगों को लेकर के आओ, गुरुदेव कहते थे बोले क्यों अगर तुम दस लोगों को लेकर के आओगे तो कथा सुनाओगे तो लेकर के आओगे ना, बगैर कथा सुनाओगे तो कैसे लेकर के आओगे, कथा सुनाओगे दस व्यक्ति तो कैसे करोगे, फिर क्या होगा, अपना भी कल्याण हुआ फिर धीरे धीरे तुम भी कैसे उनको कैसे भक्ति में बढ़ाओगे, एकादशी करो हरिनाम करो, तो इसी बार में जो सुने हुए बोलोगे, अगर जैसे सुन लिया ना अगर बोलोगे नहीं ना तुम्हारी विद्या बढ़ेगी नहीं, कहना जो देने वाला होता है विद्या को उसका ही बढ़ता है, अब जितने विद्या दोगे उतना ही बढ़ता है ना उतना ज्ञान बढ़ती है। इसलिए कथा को जितने सुनाओगे उतना ही तुम्हारी लाभ, पहले तो लाभ तुम्हारी होगा बाद में लाभ। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं सुनने वालों को जितना लाभ सुनाने वाला डबल लाभ, सुनाने वालों को डबल लाभ है सुनाने वालों को। इसलिए जैसे कथा सुनेगा जैसे हम कथा सुना रहे ना, अगर मेरा मन इधर उधर रहेगा तो कथा नहीं सुना सकता, लेकिन भले ही तुम बैठ कर यहाँ तक देखने के लिए बैठे हो सकता है मन तुम्हारे घर में, लेकिन जो कथा सुना रहे हैं उनका मन अगर इधर उधर होगा कथा नहीं सुना सकते हैं। इसलिए जैसे मैं यहाँ कथा करने के लिए बैठा ऐसे नहीं आप फिर बैठा एक घंटा दो घंटा तक मैंने पढ़ा दिया, पढ़ करके फिर प्रिपेयर से निकल यहाँ पर आया हूँ कथा सुनाने के लिए, क्या हम बताएं रोज रोज नई नई बात बोलना पड़ता है, हमारे गोस्वामी ने क्या टीका बताए गुरुवर ने क्या बताया फिर पढ़ करके यहाँ पर आए कथा सुनाने के लिए। इसलिए सुनाने वाले का तो बहुत इतना लाभ बताए, कृष्ण गीता में कहते सबसे ज्यादा मैं प्रसन्न किसको करता हूँ, कृष्ण खुद कहे सबसे ज्यादा खुश कहते मेरी कथा जो दूसरों को सुनाते हैं, क्योंकि जगत में जितने बच्चे हैं ना सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन ये मेरे 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 को भूल गए, भूल करके संसार में दुख में सुख पा रहे हैं। अगर बेटा अगर दुख पा रहा है मैया पिता कभी सुखी नहीं हो सकते, बच्चों को सुख देख करके पिता माता सुखी होते हैं, भले ही खुद दुख में रह जाए लेकिन हर पिता माता क्या चाहते हैं बेटे हमारे सुख में रहे, जो बच्चे खुश रहते ना पिता भी खुश रहते, अगर बेटे अगर दुखी रहे पिता भी दुखी रहते हैं। इसलिए भगवान कहते जितने जीव सब मेरे बच्चे हैं जब इनको किसी ने लेकिन सुख कब मिलेगा, जो जीव मेरे पास में आएगा मेरे पास में आए बगैर सुखी हो ही नहीं सकता है। इसलिए अगर मेरे बच्चों को कोई मेरे पास में ले आता है ना उसको पर सबसे ज्यादा मैं खुश होता हूँ सबसे प्रसन्न। इसलिए क्या करना सुनना भी है पर क्या करना हड़ से बड़े सबको सुनाना, ठीक है ना। हाँ सबसे सब सुना हरे कृष्ण। तो इसीलिए हमें ये वचन से सेवा किस प्रकार होगी, अगर इसी कथा को सुन करके हम दूसरों को भी सुनाएंगे। जब गोकर्ण का नाम सुना ना आपने सब गोकर्ण ने कथा सुनाई धुंधुकारी को धान हुआ पुनः कथा सुनाई फिर रथ आया, जब रथ आया ना वो विष्णु दूतों ने गोकर्ण को जब गले लगा लिए उन्होंने तुम्हारे जैसे भक्त जो भगवान की कथा सुनाते थे खुद का उद्धार तो करते ही है और जगत का भी उद्धार करते थे वो हमें बहुत प्रिय है ऐसे गले लगा लेते। इसलिए हमें सबको कथा जरूर सुनानी चाहिए, भगवान को बड़े प्रिय होते हैं जो जब गए ना सब लोग तो जो सुन रहे हैं भगवत प्राप्ति हुआ, लेकिन जब गोकर्ण ने गया उसको विशेष सम्मान करके ले गए गला में माला पहना करके अलग अपना विमान में बैठा करके बड़े स्वागत करके ले गए, बोले क्यों क्योंकि इतने तुम्हारी वजह से इतने जीवों का कल्याण तुम्हारी वजह से इतना जीव का कल्याण हुआ, इसलिए उसको स्पेशल सम्मान दे करके गोकर्ण को ले जाते। अगर कथा सुनाओगे ना सम्मान तुम्हारे विशेष हुए ठाकुर जी तुमको विशेष सम्मान करके अपना धाम ले जाएंगे। प्रायश्व अजीत कृष्ण लोग को बताया कि ये भगवान कैसे है, प्रायश्व अजीत जीतो कैसे तेजस्वी लोग, क्या भगवान को त्रि जगत में वश में कर लेना बहुत कठिन है, लेकिन अगर इस प्रकार कोई साधना करे भगवान की कथा सुनना जीवन तो साधु की सेवा करना उनके समक्ष बैठकर कथा तन वन मनोवन मनोप्रिय अगर कोई इस प्रकार से कोई भजन करेगा तो जीतो कैसी मतलब वो जो भगवान जिनको जीतना कठिन है भगवान पे अवश्य जो है भगवान के प्रेम की प्राप्ति कर लेगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा सभी अभिमान को छोड़ करके भगवान में शरणागति होकर के अगर हम बैठ करके साधु की सेवा करते हुए कथा श्रवण करेंगे तो भगवान उस पर अवश्य कृपा करेंगे। आज है लगता है बारिश बारिश होगी अभी आपको छोड़ देते हैं 10 मिनट अब भैया कल है ना ये
कल जो कथा हमने किया था आपको बहुत महत्वपूर्ण लगा था, जैसे कि ज्ञान प्रयास तत्व कपास वाणी बहुत अच्छी अच्छी, इसमें इतनी अच्छी अच्छी बात है। इतने ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को पाने के लिए उपाय किया, कैसे हम भगवान को पा सकते हैं, इसका मार्ग है इसमें श्लोक में बहुत अच्छी भक्ति की क्या महत्व, एक एक श्लोक में अच्छी अच्छी बात बताए। कल इसको तुम लोग सब पढ़ करके आना, ठीक है ना, अच्छे तरह से पढ़ करके ना, हर व्यक्ति दो दो श्लोक सुनाए, ठीक है, फिर दो दो श्लोक अच्छे तरह से सुनाना, और इसमें और कुछ अच्छी अच्छी बात बताए अगर तुम्हें बाद में उन लोगों को बैठा करके विश्वनाथ जी ठाकुर की बात बताए, कुछ कुछ अच्छी अच्छी बात बताए उसको हम बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें जितना याद बोल देता हूँ लेकिन टीका में बहुत कुछ बात रह जाती है, इसलिए जिसको मैं बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए आज आप जल्दी 5 मिनट बाद ना कुछ छोड़ देंगे, ठीक है, बारिश हो रही है, एक दो कथा सुना दो अभी गुरुदेव, अभी तो बारिश हो रही है, बंद हो गई, ज्यादा हो जाएगा तो हम लोगों को तुम लोग जाना पड़ेगा, बात नहीं, इसलिए यहाँ पर आप लोगों ने जो दिया हुआ सब रखा हुआ है बढ़िया बढ़िया प्रसाद खिलाएंगे सिंह, नहीं तब भी जल्दी से आपको छोड़ देंगे 5 मिनट में, ठीक है, एक दो श्लोक सुन लेते। ओम अज्ञानतिमिरामृतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसति गौर भक्तवृंद, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस दत्तकल्य हम लोग श्रवण करते थे ब्रह्मा जी ये बता रहे थे कि हे प्रभु हैं कि हमको अगर पशु पक्षी जन्म में क्यों जाना नहीं पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं, अगर ये पशु पक्षी जीवन में भी भगवान की भक्ति हो सकती है, जैसे बंदर ने भी हनुमान ने भी बंदर की भजन किया है, और जाम्बवा ने भी भगवान राम की भक्ति किए है, सुग्रीव भी भगवान की भक्ति किए है, काक भुसुंड पक्षी होकर भी प्रभु की कथा सुनाते हैं, गर्व वो पक्षी होकर के ठाकुर जी के पीठ पर बैठा करके ले जाती है सपाती हम, और उनकी सुनाई पड़ता है पशु पक्षी जीवन में भी भक्ति की सुजग प्राप्त होता है, इसलिए प्रभु अगर ब्रह्मा जन्म क्यों नहीं हो जाए, ये ब्रह्मा जन्म अगर तुम्हारी भक्ति नहीं हो भजन नहीं हो, हम ये ब्रह्मा पद नहीं चाहते है, अगर पशु पक्षी जीवन में क्यों जाना नहीं पड़े, अगर तुम्हारी भजन हो तो हम चाहते हैं उसे जीवन में जाए, इसलिए प्रभु क्या चाहता हूँ तुम्हारे भक्तों का अनुगत्य में और साधक हो नहीं तो सिद्ध हो है, लेकिन तुम्हारे भक्तों की अनुगत्य में हम रह करके क्या करना चाहते हैं, तुम्हारे चरण कमल को हम सेवा करना चाहते हैं, इसलिए कल हम लोग यहाँ तक सुने थे, अभी कहते बोले अहोति धन्या ब्रज गौर मन्या स्तन्याम प्रथम पीत मतीवते मुदा जस्याम विभुवत् सररात्मजात्मनि जत तृप्तये अत्याप्यहत् न चालमध्वर मध्वरा। इसमें कह रहे हैं बोले अहोति धन्या ब्रजोगी रमण्या, यहाँ पर जो अहो शब्द अहो अहो मतलब जैसे कोई हम बहुत बड़े आश्चर्य चीज देखते हैं ना, क्या आश्चर्य, हम कहते ना बाबा ये क्या आश्चर्य है क्या आश्चर्य है, इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी कहते अहो मतलब बड़ा आश्चर्य की बात है, बोले क्या अहोति धन्या ब्रज को रमण्या, ये ब्रज के जो रमणिया जो मातृस्थानिया गोपियां हैं इनका जीवन धन्य है, बोले क्यों इनका जीवन धन्य है, कहते जब ब्रह्मा जी बछड़े सखाओं को चुराया इतने में कृष्ण ने क्या किया, बछड़े सखा कृष्ण स्वयं बछड़ा सखा बन गए बन करके, अभी कृष्ण क्या कर रहे थे सब जितने ब्रज में जितने मातृस्थानिया गोपियों घर में कृष्ण स्वयं चले गए, और स्वयं कृष्ण इनके बच्चे बनकर के सबका स्तनपान कर रहे, अब देखना जब बच्चा स्तनपान करता है ना इतने खुश होकर स्तनपान करता है, बड़े प्रसन्न होकर खुश होकर स्तनपान करता है,
इसलिए कहते प्रभु ये बछड़े हैं कितने फिर बछड़े, जैसे यहाँ पर बछड़े को देखना जब उसको खोलते हैं ना मैया के स्थान पान करने के लिए, जब मैया के स्थान पान के लिए बछड़े खोलते हैं अब खोल नहीं पाते क्योंकि बछड़ा छलांग लगा करके, आप अगर स्वयं अगर देखे होंगे ये बछड़ा स्वयं छलांग लगा करके हैं उसको रस्सी खोलना कठिन होता है, क्योंकि वो चाहता है भैया के हम स्थान पर स्थान पान करें। अब जब खोल देते हैं ना आप देखना बछड़ा का आनंद देखना, ए भैया के स्थान में सर मार करके पूछ खड़े करते हुए अरे तो बड़ा आनंद से स्थान पान करता है बड़े आनंद से। इसलिए यहाँ पर उदाहरण से बछड़े को रोक नहीं सकते, बछड़े तेजी से जाता है मैया की स्थान पान करने के लिए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं देखो ये ब्रज के हैं, कहते ब्रज के जो गैया है, अब ब्रज के जो मैया है, जो गैया और जो मैया ये कितने भाग्यवती है, क्योंकि बछड़े जब स्तन पान कर खुश होकर के प्रसन्न होकर के, बच्चे जब माँ स्तन पान कर बड़े खुश होकर स्तन पान करता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं हम लोग तो ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा स्वाहा भगवान को स्वाहा स्वाहा करते हैं, स्तुति स्वाहा स्वाहा करते हैं यज्ञ में, मतलब यज्ञ में हम स्वाहा 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 करते हैं, लेकिन प्रभु वो स्वाहा स्वाहा से आप इतना संतुष्ट नहीं होते, वो स्वाहा स्वाहा से इतने संतुष्ट आप नहीं होते, जितने संतुष्ट होते हो है जिस समय आप बछड़े बन करके स्वयं आप माँ के बच्चे बनकर जब स्तन पान किया वो जितने प्रसन्न होते, जितने प्रसन्न आप होते हो यज्ञ के द्वारा भी आप इतना प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए ये ब्रज के माताएं ब्रज के जो गैया कितने सौभाग्यवान, इन लोगों ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य किया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भैया भगवान सबका स्तन थोड़ी पान करके भगवान, जिनको पाने के लिए ब्रह्मा शंभु रोमा कितने तपस्या करते हैं तभी ठाकुर को प्राप्त नहीं कर सकते, ठाकुर सबका स्थान थोड़ी पान कर देंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जरूर ये जितने माताएं जितने सबके सब गैया की कोई साधारण नहीं, जैसे भगवान सचिदानंद रूपाय उसी तरह ये जितने गैया और माताएं ये सबके सब सचिदानंद रूप, ये सबके सब श्री सचिदानंद स्वरूप भगवान की, जैसे ये सचिदानंद स्वरूप है। इसलिए फिर यहाँ कहते हैं फिर उनने एक बछड़े को एक गैया का थोड़ा स्तन पान किया, जितने गैया थे उतना बछड़ा बन गए, जितने गैया थे उतना बछड़ गए, उन्होंने क्या एक माँ के स्तन पान किया, अगले नहीं ब्रज में जितने मातृस्थानीय गोपियां थी जब कृष्ण मैया यशोदा के स्तन पान करते थे माताएं सोचती थी क्या कृष्ण भी कभी हमारे लाला बनेगा, हम भी कृष्ण को इसे गोद में बैठा करके हम भी कृष्ण को ऐसे स्थान पान कराए। इसलिए कृष्ण सबको घर में जाकर के कृष्ण सबका स्थान किया पान किया है। इसलिए कहते अबोध धन्या इनका जो जीवन है अत्यंत अत्यंत इनका जीवन धन्य है तृप्तयो अप्याह नचालम। इसलिए इसको बाद में कहते हैं कहते अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोपोपसाम जन्मित्र परमानंद उनने अहो एक शब्द एक अहो एक, लेकिन जब दूसरा श्लोक कहते अहो भाग्यम अहो, यहाँ पर अहो अहो दो बार प्रयोग किया है, दो बार क्यों प्रयोग किया, इसलिए दो बार प्रयोग किया जैसे साधारण कोई आश्चर्य चीज देखते क्या आश्चर्य, लेकिन बहुत ज्यादा कोई आश्चर्य चीज देखते ना अरे क्या आश्चर्य क्या आश्चर्य हमने देखा है बोलते ना ऐसे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते अहो भाग्यम अहो भाग्यम, भैया इनका जो भाग्य है ना अहो अहो, मतलब ब्रजवासियों का भाग्य की वही सीमा नहीं, बोले क्यों नहीं सीमा है, बोले पूर्ण ब्रह्म सनातनम, बोले कृष्ण कौन है, बोले कृष्ण साधारण नहीं ये पूर्ण है। कहते ओम पूर्ण मदम पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कृष्ण पूर्ण है हैं। इसलिए इतने चार सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान कोई उनकी अंश के अंश कला है कोई अंश का अंश, लेकिन जितने मत्स्य कर्म बराह है भगवान के अंश के अंश है, लेकिन कृष्ण ये कौन है स्वयं भगवान। इसलिए ईश्वर कर्म कृष्ण
सचिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद अनादि की भी और आदि कौन है? ये कृष्ण है, इसलिए पूर्ण कृष्ण। अरे कृष्ण और कौन? बोले ब्रह्म है कृष्ण। इसलिए श्रुति में जिनको कहते हैं कितना परमानंदम, परमानंदम कहते श्रुति क्या कहते हैं? बोले सत्यम विज्ञानमयम आनंद स्वरूप ब्रह्म। ब्रह्म का डेफिनेशन बताया जो सत्य है, जो विज्ञानमय, जो आनंद स्वरूप है, कहते ब्रह्म स्वरूप कौन है? ये ब्रह्म। लेकिन ये ब्रह्म क्या है? कृष्ण गीता में कहते हैं ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम्। जिसको ज्ञान है जो ब्रह्म कहते हैं, निराकार ज्योति कहते हैं, वो ज्योति को स्थापन करने वाले कौन है? मैं। इसलिए उपनिषद कहते हैं जद अद्वैत ब्रह्म उपनिषद तत्पस्य तनुभा। जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म निराकार निर्विशेष कहते हो क्या? बोले भगवान इतने प्रकाशमय हैं, ठाकुर जी इतने प्रकाशमय हैं, उनका अंग का जो ज्योति ही, इनका अंग का प्रकाश ही ये ब्रह्म है। इसलिए पूर्ण ब्रह्म। और कृष्ण कौन है? कहते ये सनातन है। सनातन मतलब क्या होता है? सनातन मतलब होता है जो पहले थे, जो अभी भी है, और बाद में जो रहेंगे। ये सनातन कृष्ण है। लेकिन सनातन होते हुए भी, लेकिन इसलिए सनातन होते हुए भी कहते ये ब्रजवासियों ने उनने ऐसे कौन सा भाग्य किया जो पूर्ण ब्रह्म और जो सनातन है? जितना ब्रजवासी मित्रम कृष्ण क्या बन गए? मित्र सखा सखा बन गए। ऐसे होते हुए जब सिद्धार्थ के साथ लड़ाई होता है, कृष्ण को सिद्धार्थ पछाड़ देता है, ऐसे तो छाती पर कृष्ण की छाती पर बैठ जाते हैं। और जितने सखा लोग कहते ना सखा लोग, इतने में सारे सखा लोग ताली बजाते हैं, कृष्ण के ताली क्यों बजाते? बोले तेरे को सुल्तान ने हरा दिया। बोले हरा दिया कैसे? बोले क्या तो तेरा पीठ तो मिट्टी में लग गया, इसका मतलब तो हार गया। बोले किसका नाक ऊपर किसका देखा? कृष्ण ऐसे पड़े हुए ना, कृष्ण ऐसे, कृष्ण का नाक ऊपर, सिद्धाम का नाक नीचे है, नीचे है। बोले नाक किसको हम करते? नाक नीचा कर देंगे। बोले तुमको हम देंगे, तुमको हम शर्मिंदा कर देंगे। बोले नाक किसका? नाक मेरे ऊपर है, इसलिए मैंने हारा नहीं, मैंने जीत गया। लेकिन इसलिए कृष्ण भगवान होकर के भगवान क्या बने? इनके मित्र बन गए। सखा को सखा जंगल में गए, जगह पेड़ के ऊपर कोई कैसे उसको उतारेगी, पांच छह सखा नीचे खड़े हो जाते हैं, जैसे मटकी फोड़ते हैं ना, आप देखना आप बंगल में। उसके बाद में और तीन चार सखा, उसके बाद दो तीन, उसके ऊपर में और एक कृष्ण ने सबको पर सखा पर चढ़ जाता है। मानो उसने एक आम फल को उतारे, खुद तो खा लिया, खा कर बोले बड़ा मीठा है। उसके बाद में और उसको नीचे सगा तो अकेले खा मर के नहीं, वो भी खा लिया, उसको भी थोड़ा खिलाया, उसको नीचे आ गया। अगर कृष्ण के पास में ना गुठली आए, हाँ कृष्ण गुठली खा कर बोले आप बड़े मीठे, तू अकेले खा लिया, हैं तो अकेले खा लिया। इसलिए कहते जन मित्रम है, जिनकी ये मित्र बन गए, जिनकी ये बेटा बन गए। नंद हुआ गए लाला जुति लिया तो कृष्ण उठते गिरते जाते हैं, जुति को अपना हाथों में नहीं सर पर रखकर खुश होकर आते हैं। नंद बाबा सोचते हैं लाला बड़ा होकर के ना सीता माता का बड़ा सेवा करेगा, मैंने कहा हाथ मिले या सर पर ले आए हैं, खुश हो जाते हैं। इसलिए बोले जन मित्रम ये परमानंद है, जो परमानंद गोविंद कहते हैं इन्होंने क्या ऐसे सौभाग्य किया है जो कि पूर्ण ब्रह्म सनातन की सखा बन गए, इनके बेटे बन गए, इनकी प्रियतम बन गए। तब यहाँ पर श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं जो पहला जो श्लोक में बताया रागात्मिका बात्सल्य प्रेम, जैसे माँ यशोदा की बात बताए, गैया की बात, ये कौन है? कहते सब के सब रागात्मिकी, ये बात्सल्य रस की प्रेम है इनकी करके। फिर अब जो दूसरा श्लोक है कहते रागात्मिका, रागात्मिका समझते हो जिनके आत्मा में स्वभाव के रूप में अनुराग है। जैसे हम भजन करने के लिए बैठते हैं, कोई भजन करते माला करते कि नहीं देखना, अगर सबरे अगर भजन करने के लिए बैठे ना, स्नान करके तिलक करके आचमन करके गुरु मंत्र जप करके बस ओम ओम क्लीन बोलते है ना, मन तो और भी चला आधार का बात में देखा ना, तो सो ही मंत्र जप करते करते उसको बाद में मन तो नहीं आई, मन तो अपना ही काम कर रहा, फिर मन तो फिर खेच कर लाते, नहीं जो हरिनाम करते नींद आ जाती, नहीं तो हरे कृष्ण बोलते मन इधर वापस आती।
इसलिए लेकिन इनका भक्ति के रागात्मिक, रागात्मिक का मतलब जिनकी आत्मा में भगवान का प्रति स्वाभाविक रूप में अनुराग, हम तो चाहने पर भी कृष्ण चरण में लगाने के लिए मन नहीं लगता है, लेकिन वो चाहते हैं कृष्ण को हृदय से हटाने के लिए, कहते हम काले को याद करना नहीं चाहते, ध्रुत है काले है, हम तो और किसको याद करेंगे, लेकिन उनका मुंह से अगर वाणी निकले ना कृष्ण के सिवाय कोई वाणी नहीं निकलती, कहते ये कान में कृष्ण कथा स्वर सुनेंगे नहीं लेकिन उनकी बंसुरी के सिवाय कोई आवाज नहीं आती है, बोले आंखों से काले काले व्यक्ति को देखूंगा नहीं, आए तो केवल कृष्ण ही नजर ना है, जिनकी आत्मा में संपूर्ण रोम रोम में जो कृष्ण रमे हुए उनको कहते ये रागात्मिका भक्त है, इसलिए कहते इसके बाद कहते वात्सल रस की बात बता करके यहाँ पर उन्होंने सख्य प्रेम की स्तुति कर रहे हैं, हैं? सख्य प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं, अहोभाग्यम अहोभाग्यम, इसलिए कहते ब्रजवासी कितने सौभाग्यवान हैं, कृष्ण इनके पुत्र, कृष्ण इनके बेटा, कृष्ण इनकी सखा, कृष्ण इनके प्रियतम बन गए, ये ब्रजवासियों ने किया, उन्हें सौभाग्य किया है, और उसके बाद में ब्रह्मा उसके बाद में और अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं फिर हम कल सुनेंगे, आज बारिश हो रही है, हम लोग आज जल्दी जल्दी चल रहे, बारिश हो रही है, अब सुना दो गुरुदेव 10 मिनट और, आप तो यहाँ बैठे बैठे रो आवाज आ रही है, एक समय गुरु जी ने एक चेले को बोले देख रहे कहा था बारिश हो रही है, गुरु जी बोले तो चेले ने कहा गुरु जी बारिश हो रही है, बोले तू गया नहीं, कहते तू तो गया नहीं समझ गया कैसे, बोले तो बिल्ली बाहर से आया ना भीगा हुआ देख, कोई बात नहीं आप लोग ज्यादा बात से हुआ घर में आप जा रहे हैं, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे Hare 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 Hare
जय गौर।